हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आरओ एआरओ की जो क्लासेस स्टार्ट करी गई हैं उसमें आज क्लास 3 है। इससे पहले जो दो क्लासेस ली गई हैं वो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस थी। आज की जो क्लास है वो भी करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें हम 52वां और 53वां बाघ अभ्यारण कौन सा घोषित हुआ है, उसके क्या फैक्ट्स हैं, कितने बाघ अभ्यारण हैं, कितने किस तरीके से उसको कौन अथॉरिटी देता है, या फिर टोटल कितने बाघ अभ्यारण हैं, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर बाघ अभ्यारण से रिलेटेड आपसे आरओ एआरओ में या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट या किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे मिस नहीं होगा। अब ये जो करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं ये आपको रेगुलर अटेंड करनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए दिसंबर से या फिर जनवरी में एग्जाम होता है तो आपको करंट अफेयर्स एकदम से बहुत सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके पास अच्छा खासा मैटर रेडी होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देश का 52वां व 53वां बाघ अभ्यारण। अब सबसे पहले ये आजादी के बाद एक आजादी के काफी समय बाद एक मुहिम के तहत सोचा गया कि बाघों को अभ्यारित किस तरीके से किया जाए, यानी कि उनको संरक्षित और उनका जो रख रखाव है किस तरीके से किया जाए। इसी के तहत राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। 1973 में यह प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। शुरुआत में यानी कि जब यह 1973 में लॉन्च हुआ था तो शुरुआत में सिर्फ 9 बाघ अभ्यारण भारत में थे। वर्तमान में यानी कि 1973 से लेकर 2022 तक टोटल 53 बाघ अभ्यारण अब हो चुके हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। टोटल कितने बाघ अभ्यारण है? 53। स्टार्टिंग में कितने थे? 9, और ये टोटल कितने राज्यों में है? 18। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। उसके बाद पॉइंट है कि टाइगर रिजर्व का गठन जो है वो कोर या बफर रणनीति द्वारा तय किया जाता है। यानी कि जो टाइगर रिजर्व होते हैं वो दो तरीके से कार्य करते हैं, एक कोर प्रोजेक्ट के तहत और एक बफर प्रोजेक्ट के तहत। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोर प्रोजेक्ट क्या होता है या कोर एरिया क्या होता है। कोर क्षेत्र को नेशनल पार्क या सेंचुरी का लीगल स्टेटस प्राप्त होता है। के कोर को हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क या सेंचुरी, इसका ये लीगल स्टेटस होता है। वहीं पर अगर हम बफर की बात करें या फिर पेरिफेरल एरियाज की बात करें तो वन और गैर वन भूमि का मिला जुला रूप होता है बफर, जो मल्टीपल यूज एरिया के रूप में प्रबंधित होता है। यानी कि यह टाइगर रिजर्व के रूप में भी उपयोग में आता है और कह सकते हैं आप ये नेशनल पार्क के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि यहां पर और भी पशु होते हैं। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है एनटीसीए। एनटीसीए एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राज्य सरकारों की सलाह पर एनटीसीए रेगुलेट करता है, यानी कि सबसे पहले राज्य सरकार एनटीसीए के पास भेजती है प्रस्ताव कि हमें इस एरिया को बाघ अभ्यारण बनाना है, उसके बाद वो उसको रेगुलेट करती है और राज्य सरकार को सुझाव देती है और या फिर अधिकार देती है कि हाँ आप इस एरिया को बाघ अभ्यारण बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं वन्य जीव। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) राज्य के तहत ये जो वन्य जीव एनटीसीए जो है वो कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत ये कार्य करता है। अब कार्य कैसे करता है ये समझिए। सबसे पहले राज्य सरकार एनटीसीए के पास एक प्रस्ताव भेजती है कि हमें इस एरिया को बाघ अभ्यारण बनाना है, फिर एनटीसीए उसकी जांच करती है और राज्य सरकार को यह निर्देश देती है कि हाँ आप इसे इस एरिया को बना सकते हैं टाइगर रिजर्व। अब टाइगर लैंडस्केप इन इंडिया यानी कि कौन कौन से क्षेत्र इसके लिए समुचित या फिर उचित माने जाते हैं, तो इसमें 6 क्षेत्र हैं। पहला है शिवालिका की पहाड़ियां एवं गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा है मध्य भारतीय क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी घाट, चौथा है पश्चिमी घाट, पांचवा है उत्तर पूर्वी पहाड़ियां एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, और छठा है सुंदरबन। जितने भी बाघ अभ्यारण्य हैं आप इन्हीं सब एरिया में देखेंगे। अब हम आते हैं कि 52वां बाघ अभ्यारण कौन सा था और 53वां कौन सा है। तो देखिए 52वां जो है वो रामगढ़ विषधारी
जो राजस्थान में है, इसे 2022 में 52वां रामगढ़ का दर्जा दिया गया है, बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। इसका जो एरिया है वो है 1501.89 वर्ग किलोमीटर का, और ये राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है। वहीं पर हम 53वें बाघ अभयारण्य पर जब आते हैं तो 53वां बाघ अभयारण्य है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। ये भी छत्तीसगढ़ का चौथा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम जरूर पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसका पुराना नाम है तमोर पिंगला अभयारण्य रिजर्व, तमोर पिंगला अभयारण्य रिजर्व इसका पुराना नाम है। अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं या फिर एग्जाम के रिलेटेड है। देखिए, जितने भी 53 बाघ अभ्यारण हैं उनकी लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर दिखेगी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं कि बाघ जो है राष्ट्रीय पशु हमारा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस, यहां दो बार लिख गया है पैंथरा टाइग्रिस, या फिर इसे रॉयल बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। पैंथरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम है। मलेशिया और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 2018 में जब बाघों की गणना हुई थी तो भारत में 2967 बाघ थे 2018 में। सबसे ज्यादा थे मध्य प्रदेश में 576। सर्वाधिक जो बाघ अभ्यारण है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है 6। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सैलम, जो आंध्र प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नाम दफा टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है, भारत में बाघ की आबादी जो है वो दुनिया की 80% है। दुनिया की 80% है, सबसे ज्यादा बाघ विश्व में भारत में ही है। टोटल 13 टाइगर रेंज है विश्व में, जिसमें भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, चीन, रूस और इंडोनेशिया। ये आपको जरूर नोट करना है या पूछ भी सकता है कि विश्व में कितने टाइगर रेंज हैं, रेंजर हैं। अब दो पॉइंट और हैं कि सबसे ज्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? कार्बेट टाइगर रिजर्व में है। जिनके घनत्व के मामले में भी अगर बात करें कि किस टाइगर रिजर्व के में घनत्व के मामले में टाइगर सबसे ज्यादा है, तो वो भी कार्बेट टाइगर रिजर्व में है। उसके बाद आता है कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब आपको स्क्रीन पर भारत के 53, जो एक से लेकर 53 तक जितने भी बाघ अभ्यारण हैं वो दिख रहे होंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट करेंगे तो आपके लिए उचित होगा। और इस टॉपिक से अगर आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है, इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये निश्चित है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, कई बार देखिए, नोट करिए, रिवीजन करिए और एक नोट्स बनाइए जिसे आप बार बार रिवाइज कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।